सतलुज नदी। अरे वाह वाह, आपको स्पेशल ब्लॉग के दर्शन करवाने के लिए यहाँ से यहाँ आ गए। अरे नहीं नहीं लो खाओ। हिप्नोटाइज कर दी मैनू। ये कौन खाए? ओ तेरी भाई जीसस विल ब्लेस यू। नमस्ते जी, क्या हाल चाल? सो आजकल व्लॉग लुधियाना के नाम जलंधर टू लुधियाना 60-70 किलोमीटर है, 1.5-2 घंटे का रास्ता है और कुछ लजीज खाएंगे पिएंगे और कहीं ना कहीं आपको लुधियाना एक्सप्लोर करवाएंगे। क्या चल रहा है लुधियाना में? माहौल सही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है? हाँ, सब कुछ चेक करवाएंगे आपको। सो स्टे ट्यून्ड और देखो गाइस, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, छोटा मोटा कुछ नहीं जाता, मुफ्त है मुफ्त, बटन दबाने का मौज उठाने का। ओके ओके लेट्स गो। जिसको नहीं पता, वैसे तो प्रॉपर इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत माइग्रेंट्स आते हैं यूपी से, बिहार से, और पॉपुलेशन हद से ज़्यादा है और जलंधर से तो काफ़ी ज़्यादा है। बड़ा शहर भी है लुधियाना। अगर पंजाब में बड़े शहरों की बात की जाए तो सबसे पहले तो आता है अमृतसर, फिर लुधियाना, फिर जलंधर, बाकी मोहाली चंडीगढ़ अपनी जगह, उसको मैं अलग ही मानता हूँ। रोहा, खन्ना, राजपुरा, अम्बाला, नो बॉडी बिल्डर, वाह वाह। क्या हरियाली आ गई है, है टिपिकल रास्ता है ये, बट हम कहीं भी मजे ढूंढ लेते हैं, इसलिए आज एक शॉट यहाँ के नाम। हम पहुंच गए गोराया। ये छोटे जो शहरों की ना खासियत ही अलग है, समझ रहे हो? सादी जिंदगी, बढ़िया मजे हैं, कोई ज्यादा फालतू चक्करों में नहीं पड़ते यहाँ लोग ना। ज्यादा लोग पढ़ते भी होंगे पर मैं रहूँगा तो हम तो भैया ज्यादा चक्करों में पड़े ही ना, सादा सादा अपना रहेंगे भैया, कहीं यहाँ वहाँ घर डाल लेंगे बीच में, लकड़ी काटो, सब्जी उगाओ, खाओ पियो, खत्म। मैं बता रहा हूँ लोकेशन जो मर्जी हो कर देंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। अरे पीछे से कोई आ रहा है। दिल्ली 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 नंबर, वाह। इंडो कैनेडियन, यू आर बस टू कैनेडा। गाइस भोलेनाथ जी के दर्शन कर लो, पहले थोड़े नेचर के कर लो और फिर थोड़ा ये टोल गेट साइन के कर लो। रुकिए रुकिए रुकिए, वो रहे भोलेनाथ जी। क्या विशाल मूर्ति है, जय भोलेनाथ।
लुधियाना रह चुका 15 किलोमीटर, दिल्ली यहाँ से 330। वाह वाह, चलो चलो चलते बनो। सतलुज नदी, अरे वाह वाह, आपको स्पेशल ब्लॉग के दर्शन करवाने के लिए यहाँ से यहाँ आ गए। अरे नहीं नहीं, वो नीचे ना जाम लगा हुआ था, सब लोग ऊपर से जा रहे थे, तो आई होप ये लोकल्स को पता होगा कि आगे से रास्ता निकल जाएगा, इसलिए हमने भी ऊपर चढ़ा दिए। वाह, ये ठीक है, ब्लॉग पर्सपेक्टिव के लिए कहीं ना कहीं कुछ भी कर देने का। ओ नो नो, ट्रैफिक ऑन द पुल। बच गए। चलो। एक तो ये वैसे ही ड्यूक, तुम्हें पता है फर्स्ट फ्लोर बाइक है, और ऊपर से और ऊपर चढ़ गए हैं, तो थोड़ा ना ऑकवर्ड फील हो रहा है। बट क्या करें, ऑकवर्ड फीलिंग करें भैया। उई। अब यहाँ पे हम भगाएंगे नहीं ज़्यादा, लोगों ने कहना साले। ये क्या है, आ गया हमारा लाडोवाल टोल, लुधियाना का टोल है, और ये सबसे महंगा टोल है गाइस। कार से ना ही आओ तो मैं बताऊंगा, कह रहा हूँ, पता नहीं कितना, 130-120 कम से कम नहीं तो टोल है ये। और आगे है रास्ता, कुछ नहीं है, ये मत सोचना कहीं जन्नत को ले जाएगा रास्ता, रास्ते वैसे ही हैं जैसे होते हैं। मासूमियत देखो ज़रा, वो तेरी थी। एक मेजर अपडेट ये है गाइस कि हमने जो भारत चौकर से अपना शॉकर ठीक करवाया था ना, कुछ ठीक नहीं हुआ। कुछ ठीक नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है बाइक। बस यही उम्मीद, अब ना शॉकर मंगवा रखा मैंने KTM जलंधर से, KTM सेंट्रल जलंधर, तो अब वो लोग ही ना कुछ करेंगे। पुणे से आ रहा है शॉकर, बस पहुँचने ही वाला होगा, तो जैसे ही आता है फिर आपको शॉकर की अपडेट देते हैं। नया लगवाना ही पड़ा, 1200-1500 रुपये खर्च के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आगे से अगर कोई और लगवाए ना, तो यही उम्मीद है कि मतलब एडवाइस है कि मत लगवाना भैया, मत बाहर से ठीक करवाना, नया डलवा लो, सही है, कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे शॉकर ठीक करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओह दुख लगता है, बाइक को कुछ हो जाए ऐसा दुख लगता है कि क्या बताऊँ। बाकी लेट्स गो, हम वहाँ नहीं यार, वो देखो हाल देखो ज़रा लुधियाने का, तो ये इसी चक्कर में मुझे लुधियाना पसंद नहीं है, बट हम जाएंगे बाईपास से। ओके। अरे वाह, और बाईपास के रास्ते देखो गाइस, ओए होए होए, अरे न्यारे, ऐसा मौसम, एकदम मौसम इतना प्यारा हो रखा है ना, वो देखो ज़रा, नाइस। जी क्या हालचाल, आज हम पहुंच गए हैं लुधियाना की सड़कों पे, लुधियाना के किसी डीटोर इलाके में, इलाके का नाम नूम नहीं पता, ना हमें मतलब है नाम से, हमें मतलब इन वादियों से। तो आज पहुंच चुके हैं लुधियाना जलंधर से, और देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, कुछ एक्सप्लोर करवाते हैं, कुछ ना कुछ लजीज खाएंगे, लुधियाना की मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे, लुधियाना में सब सही चल रहा है, माहौल कैसा जा रहा है, वाइब चेक करेंगे। बाकी ट्रैफिक तो आपने देख ही लिया है, ओके, सतलुज नदी आपने देख ही लिया है, स्लोमो शॉट्स आप देखते रहना, और भी आते रहेंगे, स्टे ट्यून गाइस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कुछ ना कुछ कर दो, मतलब ऐसे ही कुछ देखते देखते बस कर दो, समझ लो, सोचने का नहीं, ज़्यादा दबाव नहीं दे रहा, बस कर देने का। ओके बाकी बताओ गाइस क्या सीन्स, थोड़ा बाइक साथ नहीं दे रही शॉकर, आपको मैंने बताया कुछ नहीं हुआ शॉकर का, बहुत काम ख़राब चल रहा है पीछे, ये शॉकर पे बिल्कुल ही सॉफ्टनेस आ रखी बहुत ज़्यादा, तो उससे आगे का हैंडल बार बार ऐसे शेक कर रहा है, तो कुछ ना कुछ उसका जुगाड़ कर रखे हैं, और ऑक्सिलरी लाइट भी डलवाने वाले हैं, KTM से भी कह रखा है कि शॉकर आने वाला होगा, आपको वहाँ भी लेके जाएंगे, और बाइक का हालत अब दिखा देता हूँ आपको एक बारी। तो ये है वो दुख की कड़ी,
तो ये क्या हो रखा है, कोई खेती बाड़ी हो रखी है? कमेंट में बताना कौन सी खेती बाड़ी है। ये क्या देख रहा हूँ मैं, बाईपास पे एक ऑटो। नो, अगर मैं गाड़ी में होता, बट ये है जब मैं बाइक पे हूँ। ओए छोटे डमी, लो। अच्छा अच्छा रुको रुको ए, रुको 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 यहाँ से एक सेकंड। हाँ अब चिक चिक। ओए ओए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हैं कुछ कुछ। कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना प्यारा। ले अच्छा वो बांधा हुआ है, बांधा हुआ है, ये लो उसको भी दे देते हैं। ओए क्या कर रहे हो, खुशी से झूम रहा है। चिक चिक। ओए कितना एक्साइटेड हूँ, कितना एक्साइटेड हूँ, हम कितना एक्साइटेड हूँ। अच्छा अच्छा वो पहुंच नहीं पा रहा। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो खाओ, ये लो। ओए ब्लू आइस, ओए ब्लू आइस, ब्लू आइस हिप्नोटाइज कर दी मैंने। ये कौन खाए, ओ तेरी ओ भाई ओ तेरे, ये लपेट लिया इसने मुझे, लपेट लिया। तुम्हारे साथ भी खींचते हुए, ओके बाय 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 बाय, हेलो बाय बाय, हैं कुछ कुछ बाय बाय। बेस्ट पेट्रोल पंप ऑफ माय लाइफ है ये। चलो बाईपास लेने के फायदे, बीच में है पानी, दोनों साइड है सड़क, वाह। और आपने देख लिया क्या पेट्रोल पंप था, तीनों की तीनों ब्रीड, साइबेरियन हस्की, जर्मन शेफर्ड, और तीसरी की ब्रीड नहीं पता मुझे छोटे पप्पू की, बट बहुत ही प्यारा था वो भी। उई। ये कौन सी जगह है, अब क्या दूसरे वाले? वाइब्स तो लुधियाना में भी है गाइस, आई हैव टू एडमिट। अरे रे रे रे, सड़कों में चलते चलते पानी। Officially entering Ludhiana city via bypass. Demo tunnel. अरे रे रे रे, लुधियाना की तरक्की से हम खुश हुआ, वाह। यहाँ पे भी धुरंधर ड्राइवर है, नाइस। मिनी कूपर और अमन चिकन से एग्जिट करते हुए चंडीगढ़ नंबर कूपर है। और ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाए तो करी चिकन खाया गया था और मज़ा नहीं आया।
लुट गए रे बाबा, लुट गए लुधियाना के, लुट गए। दिन खराब चल रहा है क्या? चल टाइम खराब चल रहा है, समझ नहीं आता कभी कभी ना। ग्रीन सिटी लुधियाना, नाइस। रात को बहुत प्यारी लग रही है वैसे तो। यहाँ से हम लेंगे राइट, जैसे मैंने कहा था धुरंधर ड्राइवर यहाँ भी है, और ये यहाँ की गाड़ी नहीं है, PB05। गाड़ा चेक विच स्टेट इट इज, विच डिस्ट्रिक्ट इट इज। वाइब्स मस्त है वैसे लुधियाना की, नो डाउट। Jesus will bless you. Grand walk. All right. Burger King. Wave Mall. अपना हयात रिजेंसी, नाइस एस होटल ब्रो। जवाब दे दे कि ये हवेली कहाँ कहाँ खुली हुई है रे बाबा। हर जगह हवेली, लुधियाना में भी हवेली। एक तो ना मैं गाइस को मैं क्लियर कर दूं, बीइंग अ प्राउड बठिंडा बरनाला मोगा व्हाट, ये जलंधर की ही हाईवे है ये, कोई और। रात को ना गाइस कुछ पता नहीं लगता कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। रास्ता ये वाला तो अपने लिए नया ही है, हमने कोई पुराना रास्ता लिया ही नहीं है, तो कुछ पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और असली हवेली मैं गाइस बता दूँ तीन ही है, अमृतसर वाली सबसे पहले, फिर आती है आपकी बढ़िया जलंधर, और तीसरी सबसे बढ़िया मूरथल। बस बाकी आपको जहाँ एक जलंधर के अंडर भी खुल गई है, तो विद इन सिटी अगर जलंधर में किसी को जाना हो तो क्यूरो हाई स्ट्रीट, वहाँ पे भी एक छोटू हवेली खुल गई है। कवर करना हो तो गाइस बता दीजिएगा, कब ओवर पहुँच जाएगा। ओह लग्जरी कार्स, नाइस। जलंधर वापस जाते हुए नकोदर की तरफ का रास्ता ले लिया गया। ओह गुरुद्वारा, वाहेगुरु वाहेगुरु, बहुत बढ़िया। तो ये कोई पिंड है, पिंड का नाम नहीं पता, बट ये सड़क मलेरकोटला जाती है और हम जा रहे हैं एक्चुअल में नकोदर। चलते चलते फिर से रीराउट हो गया मैप, और हम जा रहे हैं फिर से फिलौर वाले रास्ते से। अब ये कुछ ऐसे नज़ारे हैं पिंड के अंदर अंदर से, चलते जाएंगे। पेड़ों की टनल बनी हुई है, दिस इज द नेचर्स टनल। शिव भूसे ने रास्ता रोक दिया, इसको ओवरटेक करना बहुत मुश्किल है रे बाबा। डन।
गाइस कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट में बताना, थोड़ा थोड़ा प्यार बरसाओ तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हम जैसे थोड़े थोड़े यू नो बडिंग ब्लॉगर्स। तो यहाँ भी कहीं हैं, कहीं तो हैं जहाँ भी हैं, बस मैंने सोचा टाइम हो गया एंड करने का, अंधेरा देख रहे हो एकदम सुनसान, तो इसलिए टाइम टू एंड इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।